अस्सलाम वालेकुम पब्लिक, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और अभी हमारा सिम्बा बिल्कुल भूखा है, उसका पेट खाली है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो बिल्कुल खाली हो चुका है। और इसका जो टैंक है वो भी 70 लीटर गया है, तो जाके इसको फुल करवाते हैं। और आज मेरे दिमाग में ना बड़ा एक खराब सा बड़ा अच्छा सा आइडिया है। अरे कहना क्या चाहते हो, मैं आप लोगों से शेयर भी करूंगा। सिम्बा को फुल करवाना पहले जरूरी है। तो जी सिम्बा में हाई ऑक्टेन और फुल, क्या प्राइस है हाई ऑक्टेन की? 247। और नॉर्मल पेट्रोल 227। लो जी सिम्बा में फ्यूल डलवा रहे थे और भाई पहचान गया। अस्सलाम वालेकुम, ये हमारे भाई स्टार हैं। लो जी अभी घोड़ा दौड़ते जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा फिलहाल। ठीक है, 51 कुछ फ्यूल पब्लिक पहले से पड़ा हुआ था सिम्बा में, और अभी 63 आ चुका है। मुझे भी मिला नहीं। आपको भी लाऊं? लाला आप भी आ गए। क्या कह रहे थे? मैं आपके लिए मिल गया, बहुत खुश हो गया सर जी। थैंक यू। बस और खिदमत है जी। जिंदाबाद लाला, बहुत शुक्रिया। पब्लिक पेट्रोल पंप पर ना रश था, और पहले एक भाई ने पहचाना, फिर दूसरे भाई ने पहचाना, फिर तीसरे भाई ने पहचाना। सब ने लाइक पिक्चर्स ली, और बाकी आवाम जो खड़ी हुई थी वो देख रही थी ये हो क्या रहा है। रश था ना, तो बहुत से लोग देख रहे थे चल क्या रहा है। लॉल एनोनिमस की पब्लिक एवरीवेयर यार, बहुत अच्छा लगा। चलो जी आप लोगों से मैं प्लान भी शेयर करता हूँ क्या है। आप लोग भी सोच रहे होंगे क्या प्लान था वो। तो प्लान कुछ ऐसा है, चौधरी साजिद अब्दुल्ला भाई, इन्होंने जो है ना मेरा सर खाया हुआ है। सिम्बा ले लिया पार्टी दे दो, सिम्बा ले लिया पार्टी दे दो। अब आपको लग रहा होगा यार ये जाएगा खाना खिलाएगा और वापस ये ब्लॉग बन गया पार्टी हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, कुछ चेंजेस लाने चाहिए। और मेरे दिमाग में बड़ा ही एकदम ऑसम आइडिया ये है कि यार ऐसे इनको पार्टी दे दूंगा मज़ा नहीं आएगा। तो मैंने डिसाइड किया मैं इनको खन्ना पुल से सबको खन्ना पुल पर जमा करूंगा। ठीक है, खन्ना पुल पे जमा करने के बाद फूड स्ट्रीट जो बनती है वो 7.5 किलोमीटर जाने जाने का बनता है, तकरीबन 7.5 किलोमीटर। ठीक है, और वापस आने का भी 7.5 किलोमीटर, तो ये टोटल बन जाता है 15 किलोमीटर। और 15 किलोमीटर पैदल चलना, अगर इनको पैदल ले जाया जाए तो सोचो कितना मजा आएगा। दूसरी चीज़ कि ये ऐसे हैं सारे मोटरसाइकिलों के आदि, गाड़ी के आदि, ठीक है, ये पैदल सफ़र नहीं करते। ये 1 किलोमीटर चल रहे हैं, बड़ी बात है, कोई पैदल नहीं चलता। तो जब इनको मैं जाते हुए भी 7.5 किलोमीटर पैदल लेके जाऊं और आते हुए भी 7.5 किलोमीटर पैदल लेके जाऊं, इनका क्या हाल होगा यार। तो ये प्लान है, चलते हैं जरा इनको पैदल लेके जाएंगे और होपफुली मजा आएगा। ठीक है, रेडी हो जाओ, अभी इनको जरा पैदल मैं ट्रीट इनको खिलाऊंगा, लेकिन ट्रीट इनको मैं खिलाऊंगा पैदल ले जाके, मजा आएगा। बड़ा हरामी हो बेटा। पब्लिक मैं आ चुका हूँ चौधरी साजिद के पास, इनको बताते हैं कि इनके साथ क्या होने वाला है। चौधरी साजिद साहब जी, आप जाओगे पैदल फूड स्ट्रीट पैदल पैदल और पैदल वापस भी आओगे? नहीं यार ये तो ज्यादती है। अरे क्या जवान बंदे हो, अल्लाह के बंदे, चल लोगे ना? चलो चल लेंगे। चलो सही है, सही है भाई, रेडी? ओके भाई रेडी, चलो टोटे में ना आ जाऊं मैं। नहीं पैदल चलो। लो जी खन्ना पुल के रश को इग्नोर करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर रिकॉर्ड नहीं कर सकते, शोर ट्रैफिक का इतना होता है, उसको थोड़ा साइड करने के लिए हमारा काफिला ज़रा गली से निकला है। अब्दुल्ला को भी मैंने अभी बुलाया, उसको मैंने बोला भाई ज़रा आना रास्ते में, उसको रास्ते से पकड़ेंगे, वो थोड़ा बिजी था काम कर रहा था। तो बाकी हमारा काफिला जा रहा है। चलिए साहब साहब थके तो नहीं हो? नहीं नहीं, पक्की बात है? हाँ जी। चलो जी यार अभी ना आपको शायद मेरे पीछे खन्ना पुल नज़र आ रहा होगा, इतना दूर नहीं है, ठीक है, ये पीछे ही है। और मुझे लग रहा है मैंने गलत फैसला किया है, अभी बहुत सफ़र पड़ा है। चलिए साहब कुछ कहना चाहोगे? थक जाएंगे यार, बहुत दूर है अभी, यहाँ लगाऊंगा। और डर गई, डर गई, यो डर गई, यो डर गई, यो डर गई। ये जी सर्विस रोड से सफर करना थोड़ा मजबूरी थी, क्योंकि हाईवे पे शोर ज्यादा था गाड़ियों का, और वो सामने जो आप रश देख रहे हो वो हमारा पहला स्टॉप होगा। इस तरह के 4-5 आने वाले हैं आगे। क्या कह रहे थे? हम चलते चलते फैसल मस्जिद पहुंच गए, लेकिन फूड स्ट्रीट नहीं आई। चाहिए साहब ये फैसल मस्जिद नहीं है। ये फैसल मस्जिद नहीं है। नहीं नहीं फैसल मस्जिद नहीं है चाहिए साहब, ये कोई और दूसरी मस्जिद है। हाँ उसी तरह की बनी हुई है। अच्छा जी हम अपने पहले स्टॉप पे पहुंच चुके हैं जो कि है जिया मस्जिद। ठीक है, उसके बाद यार ये पीछे टोनो 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 शुरू हो गया। कोई एक लड़की ने, बाजी ने वीडियो बनाई थी कि DHA में आवाज़ आती है ओम और भाई, ये DHA CHA नहीं है, यहाँ भी ओम और चल रहा है। सही है, बाकी हमारा पहला स्टॉप आ चुका है जिया मस्जिद, और उसके बाद आएगा कुरी रोड, फिर आएगा इकबाल टाउन, फिर आएगा डोकला खान,
फिर आएगा फैजाबाद और फैजाबाद से अंदर जाके हमें मिलेगी फूड स्ट्रीट। जय साहब डर तो नहीं लग रहा? नहीं जी नहीं डर नहीं लग रहा, पक्की बात है? हाँ जी। चलो जी, अभी अब्दुल्ला भाई भी हमें मिलने वाले हैं तो एक बंदा और ज़्यादा हो जाएगा। बड़ा तेज़ है वो, दूर से नहीं आया, आधे रास्ते में जाके बैठा हुआ था। लो जी अभी हमारा दूसरा स्टॉप आने वाला है और टांगों की बस हो रही है। ऑनेस्टली ज़िया मस्जिद क्रॉस किया है, सामने वो पुल नज़र आ रहा है, शायद आपको आ रहा हो सही से, वो है कुर रोड का पुल, उसके बाद आएगा इकबाल टाउन। लो जी स्टॉप कुर रोड से हम ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं ताकि दूसरी सर्विस रोड पर जाया जाए, इस तरफ से रास्ता नहीं है। आप क्या कह रहे थे? ओके पानी शानी पिलाओ ना यार, बहुत प्यास लगी है, थक गए। थक गए हो? इतना तो बंदा मोहब्बत में नहीं प्यास लगती जितनी आप लगी है। जो सब पानी पी रहे हैं अब ठीक है जनाब? 6-7 किलोमीटर चल के ये नेस्ले की बोतल मिली है। लो जी दोनों यार पक्के मिले आज जी, आज दोनों सच्चे आशिक मिले हैं। ठीक है अब जुगते चलेंगी और हम भी चलेंगे। अगला स्टॉप इकबाल टाउन। पब्लिक अभी हम पहुंचे थे कुरी रोड और भाई मिले हैं, भाई से मिलकर बहुत अच्छा लगा। आप कुछ कहना चाहेंगे? बिग फैन, वी एंड भाई लव हिम। थैंक यू। ये चौधरी साजिद कह रहे हैं कि अब्दुल्ला भाई का स्टिंग वाला रिकॉर्ड तोड़ेंगे आज। ये स्टिंग वाला रिकॉर्ड तोड़ेंगे, इसके अंदर स्ट्रिंग जाएगी, ये मेरे बगल में आता है, इसमें स्ट्रिंग जाएगी पूरी। ये बॉय शापर फाड़ता है, आधे रास्ते में आया है, उधर से आया ही नहीं। मैंने कहा यहाँ से गाड़ी में बैठ के चला जाऊंगा, तुम जुलम कर रहे हो भाई, पैदल लेके जा रहे मुझे। अपनी मेहरान लेके आता ना। पब्लिक हम लोग पहुंच चुके हैं इकबाल टाउन, अगला स्टॉप जो हमारा है वो है डोकला खान। चौधरी साहिब साहब ये जो आप कह रहे हो कि स्टिंग वाला रिकॉर्ड तोड़ोगे, पक्की बात है तोड़ सकोगे? मैं स्टिंग पूरी पी लूंगा, बेशक मुझे डॉक्टर को 200 रुपया देना पड़ेगा। भाई अब्दुल्ला उठ जा यार, चलें। नहीं भाई थक गया यार। अभी तो भाई तूने एक ही स्टॉप क्रॉस किया, हम पीछे 3 स्टॉप क्रॉस करके आए। मुझे नहीं पता था तुम इतने पैदल आ रहे, मैं ना आता नहीं। उठाओ यार इसको जाके, उठाओ खींचो, जा पकड़ के लास्ट पे। उठ यार लेट हो रहे हैं। चलो चलो डर गए। वो टोटा जा रहा है यार, उसमें बैग है 3। नहीं जी पैदल जाना पड़ेगा, पैदल जाना पड़ेगा, पैदल ही जाना है, पैदल ही जाना है जी। नहीं रुको, ट्रीट क्या मांग ली तू, पैदल ही लेके चल रहा फिल्म दोनों का? नहीं जी पैदल ही जाएंगे। ओ यार गाड़ी है, अच्छा तू पैदल जाना हमारे पीछे गाड़ी। लो जी हम पहुंच चुके हैं डोकला खान, आगे आने वाला है डोकला खान का कब्रिस्तान, उसके बाद आया है फैजाबाद आएगा। लेकिन मैंने इनको ऐसा सबक सिखाया ना, अगली बार ये ट्रीट मांगते हुए ना 10 बार सोचेंगे। देखना वहाँ जाके दाल माश का ऑर्डर ना कर देना। हाँ जी हम पहुंच गए हैं कब्रिस्तान डोकला खान के, और शुक्र मिला अपनी जगह। लेकिन यहाँ पर ना जब भी आप कब्रिस्तान आओ, कब्रिस्तान की दुआ होती है, मैंने उसका तर्जुमा याद किया है तो मैं आप लोगों को सुना देता हूँ। वो कुछ ऐसे है कि ऐ कब्र वालों तुम पर सलाम हो, हमारी और तुम्हारी अल्लाह ताला मगफरत फरमाएं, और तुम हमसे पहले चले गए, हम तुम्हारे बाद आने वाले हैं, कोई गलती हुई तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन आएगा सही तर्जुमा है, और आप जब भी आओ तो दुआ पढ़ लिया करो यार। फैजाबाद पहुँच चुके हैं, जो रास्ते में बता रहा हूँ ना ये पिंडी इस्लामाबाद वालों को अच्छे से पता होंगे, और ये मेरे स्क्वाड की बस हो गई है। बस नहीं हुई भाई, 10 मिनट हो गए यहाँ पे इंतजार करते हैं, थक गए तुम चला जा रहे। ये चौधरी साजिद साहब इस तरह और अभी तक ये नेस्ले की बोतल ही है हमारे पास। खाबों में हमारे दुम्बे आ रहे थे और मिला क्या ये नेस्ले की बोतल और दाल माश। नेस्ले की नहीं है, गवर्नमेंट के लिए मैं गाना गाना चाहता हूँ। एक मेरान खड़ी मेरी थाने दे विच बदले दे मैं दो लेना नहीं मैं डाकू एक नंबर का। यहाँ पब्लिक यार हम लोग ना अभी मरी रोड से ना अंदर होने वाले हैं स्टेडियम वाले रोड पर, ठीक है डब्बा रोड वाली साइड पे। लेकिन बहुत दिक्कत थक चुके हैं, बहुत मुश्किल था यार, एक बंदा आदी हो ना फिर कर लेता है, पर हम लोग आदी नहीं है ना, यूज्ड टू नहीं है, तो बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, बुरा हाल यार। ये ना मेरी फूफो का बेटा है, मैंने वो कॉल की, मैंने बताया नहीं था पैदल लेके जा रहा हूँ, मैंने कहा फूफो मैं इसको इधर पैदल ले आया। फूफो कह रही है ओए कुत्ते इसने सुबह। यार ये ना मेरी फूफो का बेटा है, तो मैं इसको बगैर बताए ले आया था कि पैदल जाएंगे, मैंने फूफो को रास्ते में कॉल की बताया, फूफो कह रही है कुत्ते इसने सुबह काम पे भी जाना है। लो जी फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं, स्टेडियम की लाइटें नज़र आ रही हैं और बहुत अच्छा लग रहा है, और तकरीबन 2 घंटे लगे हमें। पब्लिक हम पहुंच चुके हैं और आते ही चौधरी साजिद को सुसु आ गया, तो चले गए हैं, बाकियों का बुरा हाल है। लेट मी शो यू, ये बमुश्किल बैठा है, वो लेट चुका है, इधर एक और बंदा लंबा पड़ा हुआ है, तो अभी ऑर्डर हमने दे दिया, खाना आता है तो खाना खाते हैं, फिर वापसी का डिसाइड करते हैं क्या करना है। लो जी पब्लिक ऑर्डर आ चुका है, सही है,
जी साहब ऑर्डर आ गया। मैं तो समझा दाल माश होगी। क्या समझे थे आप? दाल माश होगी। दाल माश होगी। नहीं जी, इतना चलाने के बाद ही हम आपको दाल माश तो नहीं खिलाएंगे ना। अब खाना वाना खाते हैं पब्लिक और उसके बाद बाकी रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन चाय चलेगी, चाय के बगैर गुजारा नहीं है। चौधरी साहब खाना कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा था जी। ये बकरा खा रहे थे, ये मजा आया आपको? बहुत मजा आया। वो हल्दी वाले दूध की क्या कहानी है? वो ये यहाँ से जब बकरा खा लिया ना, यहाँ से जाके किलो दूध मारेंगे जानी के ऊपर हल्दी डाल के। अच्छा, वो क्यों? जिस्म में दर्द नहीं होगा। अच्छा साहब, चलें फिर पैदल वापस? नहीं यार, अभी तक यहाँ सुई चुप नहीं है। अस्सलाम वालेकुम पब्लिक, भाई मिले हैं अभी, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम मुबीन भाई और पब्लिक, क्या हाल है आप सबका? तो मैं ये कहना चाह रहा था कि भाई का बहुत बड़ा फैन हूँ मैं, और तकरीबन एक साल से भाई की वीडियोस देख रहा हूँ, और भाई की वीडियोस देखते हुए मैंने पबजी स्टार्ट की थी, और काफ़ी इंस्पायर किया आपने मुझे। थैंक यू। और आपका जो तरीका है बात करने का, बस लायक है क्या? One year later. पब्लिक खाना खाया है, वापस जा रहे थे फैजाबाद की तरफ, मरी रोड पर थे, लेकिन इन सब की बस हो चुकी है। मेरा तो दिल था चले, लेकिन खाना खा लिया ना, भूखे तो ये जा रहे थे जोश में, लेकिन वापसी में सफ़र इतना करना मुश्किल लग रहा है। तो होपफुली ये चैलेंज हम फिर कभी कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन आज मैंने ऐसे इनको बहुत चला दिया। तो यहाँ करते हैं व्लॉग का एंड। थैंक यू सो मच, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।